खबर कानपुर से है, जहां हैलेट हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर खुलेआम मुख्यमंत्री के आदेश की उड़ा रहे हैं धज्जियां। खुद का ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंचे मरीजों को भी धमका कर भगा रहे हैं हॉस्पिटल से। बता दें कि कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल की इमरजेंसी का यह शर्मनाक नजारा दिखाई दे रहा है। इसमें ऑक्सीजन की कमी नहीं बल्कि इंसानियत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 70 वर्षीय दुर्गा देवी के स्ट्रेचर को परिजन धीरे धीरे इमरजेंसी से बाहर निकाल रहे हैं, जबकि दो पड़ोसी भारी ऑक्सीजन सिलेंडर को खिसका कर उनके साथ ले जा रहे हैं। कोई वार्ड बॉय तक नहीं है। इनको जूनियर डॉक्टरों ने बेरहमी से धमका कर भगा दिया। हैरानी की बात तो ये है कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर खुद का लेकर आए थे, लेकिन बिना भर्ती किए डॉक्टरों ने मरीज को भगा दिया। कौन सी एम्बुलेंस क्या है पता नहीं, ये भी डायग्नोस तो कोई नहीं बता रहा। इतने डायग्नोस तक यहाँ तक लगाया नहीं किसी ने, स्टाफ कर भर्ती नहीं कर पाया, ऑक्सीजन नहीं है। साहब ने कहा हमारा सिलेंडर ही है, तो कुछ सिलेंडर हम लोग लेके आए हैं, तो बाबा ठीक हो गैलरी में देखो तो गुप्ता जी यार पीछे चले आ रहे, देख नहीं रहे तो इतना परेशान हो गए क्या है इनको, प्रॉब्लम हुई होगी, साथ में दिक्कत हुई होगी या ऑक्सीजन कहीं नहीं मिल रहा। तो हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की प्राइवेट अपने पैसे खरीद के लाए, फिर अपने पैसे दोबारा भरवाया, यहाँ पर बंद करने के लिए तो उन्होंने कहा मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, आपको ले जाइए, एडमिट तक नहीं किया। ऑक्सीजन सिलेंडर आपका है? हाँ ये है सिलेंडर हमारा, जम्बो सिलेंडर। क्या नाम है इनका? दुर्गा देवी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश तिवारी। ये बताइए प्रशासन को नहीं, सुनिए प्रशासन को नहीं बताया आपने? पता पता भैया कैसे जान रखा पोर्टल पे? हाँ सब पड़ा रखा। और इसके बाद भी यहाँ भर्ती नहीं, यहाँ कोई सीनियर डॉक्टर मिला आपको? नहीं कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, दवा तक नहीं आया, कोई दवा तक तो है नहीं, कुछ नहीं। वापिस कर दिया, आप कहाँ ले जाएंगे आप इसको? वापस सुबह 6 बजे से हम लोग, 7 बजे से यहाँ पर, हम लोग से कहा गया चेक सी टी करा लीजिए। हाँ क्योंकि RT-PCR की रिपोर्ट 4 दिन बाद आती है, चेक सी टी यही हमने कराया गया, फिर भी नहीं भर्ती। 4 बजे की फिर भी भर्ती नहीं करने वाले, कोई दवा नहीं, कोरोना आ गया, कोरोना पॉजिटिव है, चेक सी टी हुआ है ना, पॉजिटिव रिपोर्ट तो बाद में आती है। यूपी सिटी न्यूज़, जुड़िए उत्तर प्रदेश से।